तो बहुत प्यारा है ये, किस डिजाइनर का है ये? मालूम नहीं। मालूम नहीं, आप ही की शादी है ना? नहीं, नन ने लिया जो है, इसलिए मुझे नहीं मालूम। बहुत अच्छी होंगी आपकी नन, बहुत दिल से लिया है आपका ड्रेस। आप अंदर जाएं, चेंज कर लें, उसके बाद मेकअप करेंगे। मैं अंदर आपका ड्रेस भिजवाती हूँ। ओके सारा, सिन्नान तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? बैग गुस्सा कर रहे हैं, बाहर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ कि आए तुम जाएं। तुम्हें बहुत जल्दी है ना हमसे ज्यादा। एक मिनट रुक जाओ, ना नजरें बद से बचाए मेरे भाई। ये क्या कर रही हो? ले दे के भाभी के हिस्से में देवर के लिए एक ही तो रस्म आती है, सुरमा लगाने की। देख लिया फान, आज वो भी खत्म कर दी इन्होंने। अरे भाभी, इसे कहाँ पता इस सब रस्म रिवाज का। खैर, नेक तो मैं जरूर लूंगी, क्योंकि आप अफसर बीवी ब्याह के ला रहे हैं यहाँ पे। उसके नाम पे तो जान भी दे सकता हूँ, मांगे क्या मांगते हैं। सॉरी, मैं जानता हूँ आपको शिजत का मेरे साथ इस तरह आना पसंद नहीं है, मगर मेरी गैरत इस बात को गवारा नहीं करती कि शिजत इस वक्त रिक्शे में धक्के खाए। कम से कम एक अनजान रिक्शे वाले से तो ज्यादा काबिल एतबार हूँ। मामू, मैंने उसे मना भी किया था लेकिन वो नहीं माना, कह रहा था कि रात बहुत हो चुकी है। बिल्कुल ठीक कहा उसने, उसे यही करना चाहिए था, लेकिन ये ठीक नहीं है शिजड़ा। अब्बू। हाँ फक। बहुत गलत हो रहा है ये सब। मेरी नापसंदीदगी की तो आपके सामने कोई अहमियत थी नहीं, आपने पहले ही कह दिया कि आपकी बहन और भांजी के मामले में मैं बोलने वाला कोई नहीं होता, तो ठीक है नहीं बोलता, लेकिन अगर आप ही के नक्शे कदम पर चलूं तो माजिया मेरी बहन है, और जिस तरह वो उस दिन यहां से रोते हुए गई और फिर खालिद की शिकायतें, एक लिहाज से वो गलत नहीं है,
आपको बहुत जल्द इस मसले का कोई हल ढूंढना होगा। शिजरत ने पढ़ना है, मैं इसे घर नहीं बिठा सकता और तुम्हें भी घर बैठने के लिए नहीं कह सकता, इसलिए मैंने बहुत सोचने और समझने के बाद फैसला किया है कि तुम दोनों का निकाह कर दिया जाए।